दोस्तों, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको चेक के बारे में जरूर जानकारी होगी। कभी कभी जरूरत पड़ने पर आपने चेक का यूज भी किया होगा। तो दोस्तों, चेक के बारे में बात करें तो चेक कई तरह के होते हैं, जैसे बेरर चेक, ऑर्डर चेक, ओपन चेक, सेल्फ चेक, ब्लैंक चेक, और इसी में से एक है कैंसल चेक। तो दोस्तों, कई बार कैंसल चेक का नाम सुनकर हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कैंसिल चेक होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैंसिल चेक से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे, जैसे कैंसिल चेक होता क्या है, कैंसिल चेक आपको कैसे भरना चाहिए, कैंसिल चेक की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं चेक क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक की तरफ से आपको ATM, पासबुक, उसके साथ आपको चेकबुक भी मिलता है। ये जो चेकबुक होता है, इसमें आपके अकाउंट से जुड़ी हर एक जानकारी होती है, जैसे आपका नाम, चेक नंबर, अकाउंट नंबर और बाकी आपके अकाउंट से रिलेटेड जानकारी इसमें शामिल होती हैं। इसका यूज आप किसी दूसरे आदमी को कैश ना देकर डायरेक्ट चेक से पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कैंसिल चेक के बारे में। तो ये जो कैंसिल चेक है, ये इसी चेक की तरह होता है। इसमें जब आप दो तिरछी लाइनें खींच देते हैं और उसके अंदर कैंसल्ड लिख देते हैं तो यह चेक कैंसिल हो जाता है। अब इस कैंसिल चेक की बात करें तो इसका यूज पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं। कैंसिल चेक से कोई भी बस आपके अकाउंट से रिलेटेड जानकारी ले सकता है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस चेक को कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस चेक को कैंसिल कर दिया गया है तो इसका यूज क्या रह जाता है। तो दोस्तों, चेक को कैंसिल इसलिए किया जाता है ताकि इसका कोई मिसयूज ना करे। लेकिन चेक कैंसिल करने के बाद भी चेक नंबर, अकाउंट नंबर और आपके बैंक से जुड़ी बाकी डिटेल का यूज किया जा सकता है। तो ये जो कैंसिल चेक है, यह एक प्रूफ के रूप में काम करता है, जिससे यह पता चलता है कि आपके इस बैंक में अकाउंट है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो कैंसिल चेक है, इसका यूज आप कहां कहां करते हैं। दोस्तों, जब भी आप EMI पर कोई सामान खरीदते हैं तो आप जिस बैंक से EMI कटवाने का ऑप्शन चुनते हैं, उस बैंक का कैंसिल चेक आपको देना पड़ता है। इसके बाद अगर आप लोन लेते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, तो बैंक आपसे कैंसिल चेक को जमा करने के लिए कहता है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो KYC करते समय कैंसिल चेक जमा करना पड़ता है। जब भी आप अपने PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालते हैं तो आपको कैंसिल चेक को स्कैन करके वहां पर अपलोड करना होता है। इसके अलावा जब कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उस समय भी आपको कैंसिल चेक जमा करना पड़ता है। हम में से कई लोग जॉब भी करते होंगे, तो आप जब भी कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो सैलरी के लिए आपको कैंसिल चेक आपके HR डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है और उसी बैंक अकाउंट में सैलरी आपकी आती है। इसके अलावा और भी कई जगह है जहां पर कैंसिल चेक आपको जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कैंसिल चेक आपको कैसे भरना चाहिए। तो ये जो कैंसिल चेक है, इसको भरना बहुत आसान है। इस चेक को कैंसिल करने के लिए आपको चेक के ऊपर दो तिरछी लाइनें खींचनी होंगी और दोनों लाइनों के बीच में आपको लिखना होगा कैंसल्ड। अब सबसे जरूरी बात है कि ये जो कैंसिल चेक है, इस पर आपको कोई सिग्नेचर नहीं करना है। इसके अलावा ये जो चेक है, इस पर कुछ भी लिखने या फिर कैंसिल करने के लिए हमेशा आपको ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे कलर का पेन यूज करते हैं तो इस चेक को इनवैलिड मान लिया जाता है। तो जब भी आप चेक भरें तो ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करें। इसके अलावा लाइन खींचते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो अकाउंट नंबर है वो क्लियरली दिखे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि कैंसिल चेक होता क्या है, कैंसिल चेक की जरूरत कहां कहां पड़ती है और आपको कैंसिल चेक कैसे भरना है। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।